आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है। इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांत तो हम मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, मालूम है ना? ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है कि देखिए भाई, हमने किया है, हम यहां जाकर के अटके हैं, हो सकता है कुछ कमियां होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करते हैं और काफी लोगों के प्रयास से वो एकदम से समृद्ध एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका एक रिएक्शन होगा। और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहेगा देखो ये क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं क्या, तो आपका एक दूसरा रिएक्शन होगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो ही कह रहा है लेकिन आपको गुस्सा आता है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, यह दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए मां बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से
कुछ न बोलते हुए मां बाप ऑब्जर्व करते हैं, फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं, अरे यार देख बेटे, तुझमें इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति यहां क्यों जा रही है। तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आ जाए। लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं। और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो टोका टोकी का आता है, कुछ भी करो। खाने पे बैठे हैं, कुछ भी कहेंगे, ये खाया तो भी कहेंगे, नहीं खाया तो भी कहेंगे, यही होता है ना। देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाके क्या है। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब मां बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए। उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया, तू तो ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी माँ कहती है ऐसे दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग फटकता है, वो दिन भर का उसका काम है बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इंपॉर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में बॉल खेल लिया छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है, ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने, आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए, वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।